यदि आपके बच्चे मोबाइल पर ज्यादा समय बिता रहे हैं तो यह खतरे की घंटी है। ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चे बुरी इस तरह लत में पड़ चुके हैं कि खासकर 8 से 16 साल के बच्चों में यह लत देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी नशा ऐसी है कि अभिभावक की टोका टोकी पर भी घर को छोड़ दे रहे हैं। टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत चाइल्ड लाइन ने अप्रैल से सितंबर 2021 के बीच में 139 बच्चों का बरामद किया। इसमें से 22 बच्चों ने स्वीकार किया कि ऑनलाइन गेम खेलने के लिए घर से भागे। आरपीएफ ने इन्हें एकांत में गेम खेलते हुए पकड़ा। ये बच्चे उड़ीसा, बंगाल, रांची, क्योंझर, दिल्ली, मुंबई, असम, तेलंगाना और तमिलनाडु से आए थे। बच्चे फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, पोकेमोन गेम जैसे गेम खेल रहे थे। ऐसे गेम उनमें हमलावर प्रकृति को भी जन्म दे रही थी। तो बच्चे जब गेम खेलते, खासकर मैं फ्री फायर का एक एग्जांपल देख दे रहा हूं, क्यों अब वो लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं? उनके अंदर एक प्रतिद्वंदी प्रकृति उत्पन्न होती जा रही है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि हम अगर गेम में खेलते हैं और किसी को परास्त कर देते हैं तो उसे लगता है कि हम उससे सुपीरियर हैं। इस सुपीरियर को जताने के लिए वो ऐसे कदम उठा ले रहे हैं जो इस उम्र में उन्हें उठाना सही नहीं है। शुरुआत कहां से हुआ था कि ऑनलाइन स्टडी करना है, लेकिन खत्म कहां होने जा रहा है कि ये बच्चे जहां ऑनलाइन स्टडी करना है वहां वो ऑनलाइन गेम खेलने के लिए आते हैं। और आप पे इस चीज पे डिस्कस करूंगा कि इंटरनेट गेमिंग एडिक्ट ये बहुत ही खतरनाक है और 6 से 14 साल के बच्चे गेम के दौरान प्रतिद्वंदी को मारकर आगे बढ़ते हैं तो उनके दिमाग में इसे सच मानता है और उसके मन में आक्रोश या चिड़चिड़ेपन को जन्म देता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक गिरी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। सवाल उत्पन्न हो रहा है कि सरकार क्या कर रही है। हमारे देश की आईटी या साइबर कानून इसको लेकर बहुत कमजोर है। अगर सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन लाई जाती है तो गेम्स बनाने वाले भी इस दायरे में रहकर काम करेंगे। इससे पहले भी केंद्र सरकार कुछ गेम पे प्रतिबंध लगाया है। तो ये तो सरकार की तरफ से प्रतिबंध